हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं एलोवेरा डे क्रीम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये 5 इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं और इस कंटेनर में बनाने वाले हैं हम। तो ये 5 इंग्रेडिएंट है कि विटामिन ई कैप्सूल, आमंड ऑयल, रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड एलोवेरा जेल। इतना यूज करने ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल का हम 2 टेबलस्पून लेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है? एलोवेरा हेल्प्स इन कीप योर फेस हेल्दी एंड गिव यू नेचुरल शाइन। ये मॉइस्चराइज करता है और रिमूविंग डेड स्किन सेल्स, एंड ये बेनिफिशियल है फॉर ड्राई एंड क्रैक स्किन, रिड्यूस रिंकल एंड डार्क स्पॉट्स योर फेस, and give protection against the harmful ultraviolet rays of the sun which protects you from sunburns। ठीक है, तो हम ये 2 टेबलस्पून लेंगे। उसके बाद हम ऐड करने वाले हैं, और इसमें ये एलोवेरा जेल में मिंट भी था, ठीक है। तो उसके बाद हम ऐड करने वाले हैं ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन क्या करता है? ये क्लींजर का काम करता है, प्रोटेक्टेंट, और ये ड्राई स्किन के लिए भी है, और ये एंटी एजिंग है, एक्ने ट्रीटमेंट है और ब्लैक हेड ट्रीटमेंट है। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं रोज वाटर। रोज वाटर ये टोनिंग बेनिफिट्स देता है, टोनिंग के लिए, ट्रीटमेंट ब्लेमिशेस, मॉइस्चराइजिंग, और ये हमारे स्किन के लिए स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स है इसमें, और ये स्किन को पीएच लेवल बैलेंस करता है, और ये डाबर और ये आमंड ऑयल है डाबर का। तो इसका बेनिफिट्स ये कि है ड्राई स्किन के लिए है, रिंकल्स के लिए है, स्किन ग्लोइंग करता है, डार्क स्पॉट रिड्यूस करता है, ठीक है। और ये है विटामिन ई कैप्सूल। इसके बारे में आप सबको पता है, मॉइस्चराइज स्किन, रिस्टोर डिहाइड्रेटेड स्किन, लाइट एंड डार्क स्पॉट्स, एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट, प्रिवेंट रिंकल्स, प्रीमैच्योर स्किन एजिंग। ये सारे जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं इसके लगभग सारे ये सेम ही हैं, सेम ही वर्क करते हैं और सेम ही बेनिफिट्स हैं इन सबके। तो अब हम इन सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसे क्रीम बना लेंगे हम। ये आपको जितना चाहिए आप उतना बना के रख सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए था मैंने, और मेरे एलोवेरा जेल में मिंट था बुदीना, इसलिए मेरा एलोवेरा जेल डे क्रीम बना रही हूँ, क्योंकि ये जब हम यूज करेंगे ना तब हम फेस पे एकदम ठंडक सी महसूस होगी। इसलिए अभी मैं गांव में हूँ तो यहाँ बहुत ही गर्मी हो रही है, तो इसलिए वो एलोवेरा जेल में यूज कर रही हूँ और डे क्रीम बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, आप यूज कीजिए, आपके फेस को लाइट एंड ब्राइटन भी करेगा। तो आप यूज करके देखिए इसको, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये डे क्रीम जो हमने बनाया हुआ है, हमें नहाने के बाद लगाना है, जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तब वैसे मॉइस्चराइजर की जगह आपको ये क्रीम लगाने, इसके सब इसमें सब कुछ है जो हमें चाहिए होता है फेस के लिए, ठीक है। आपको थोड़ा ही लगाना है, जैसे कि फेस में ये एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। हाँ, ज़्यादा लगाएंगे तो फिर ऑयल्स लिए हो जाएगा और आएगा, तो अगर एक्सेस ऑयल आ गया है तो आप कॉटन पैड से उसे रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है।